बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको ये बड़ी खबर बता दें, भीड़ ने अश्विनी चौबे के खिलाफ नारेबाजी की है, ईंट भी चलाई गई है। सुरक्षा कर्मियों के घेरे में केंद्रीय मंत्री वहां से किसी तरह से निकल सके। बक्सर के बनारपुर में पुलिस लाठीचार्ज की घटना हुई थी। केंद्रीय मंत्री पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और इसी दौरान लोगों ने अचानक से अश्विनी चौबे की गाड़ी पर हमला कर दिया वहां पर, लेकिन किसी तरह से सुरक्षाकर्मियों ने अश्विनी चौबे को वहां से निकाला। ईंट भी फेंके गए, ईंट और पत्थर अश्विनी चौबे की तरफ फेंके गए थे, लेकिन किसी तरह से सुरक्षा बलों ने वहां से अश्विनी चौबे को निकाला। ये गुस्सा फूट पड़ा है केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पर, जो बक्सर पहुंचे थे। स्थानीय सांसद हैं और जी मीडिया संवाददाता अजय राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय, बताएं जरा क्या हुई घटना? जी देखिए, अभिषेक बता दें कि शाम के वक्त बनारपुर गांव में जो दो रोज पहले पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में घायल परिजन से मिलने पहुंचे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उसी दरमियान उन्होंने बनारपुर गांव में एक किसान चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में किसानों की बात कही, लेकिन किसानों को उनकी बात से संतुष्टि नहीं मिली। किसानों का कहना था कि जो अश्विनी चौबे बात कर रहे हैं, हम लोग के हक की बात नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, जिसको लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और अश्विनी कुमार चौबे मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद उसी बीच में से किसी शरारती तत्व ने उनके ऊपर एक ईंट फेंक दिया। हालांकि मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उनको बचाते हुए वहां से आनंद फानंद में लेकर निकले, जिसके बाद वे पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की। अभिषेक, तो वहां पर अभी माहौल कैसा है अजय, क्योंकि तनाव इस तरह से बढ़ता जा रहा है? पहले भी लगा कि किसान जो है वो आगजनी कर रहे हैं, हिंसा के आसार नजर आ रहे हैं, और फिर आज केंद्रीय मंत्री पर हमला कर दिया गया, तो अभी हालात वहां कैसे हैं? देखिए, हालात अभी पूरी तरह से शांत है, लेकिन किसानों के अंदर कहीं ना कहीं वो आग भड़क रही है, जिस मुआवजे को लेकर उनके अंदर एक आग सी बन गई है। जो भी जा रहा है, अगर किसान की हक की बात उनके मन मुताबिक नहीं कर रहा है, उसका किसान विरोध कर रहे हैं। इस दरमियान जैसे ही अश्विनी चौबे का भी कार्यक्रम खत्म होने के बाद बक्सर विधायक भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उनको भी आक्रोशित किसानों का सामना करना पड़ा। हालांकि वो भी अपने आप को संभालते हुए किसानों के हक की बात करके वहां से निकल गए। अजय, क्या किसान बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो बात नहीं सुनेंगे तो फिर समाधान कैसे निकलेगा? किसान बातचीत के लिए तैयार है। किसानों का कहना है कि हमारी उचित मुआवजा दी जाए, जो पूरे मामले में दोषी पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए। किसानों की यही मुख्य मांग है, इसी को लेकर किसान अभी अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आगे की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अच्छा, जब वहां से अश्विनी चौबे चले गए तब क्या किसानों से आपकी बात हुई कि वो क्या कह रहे हैं? चूंकि बिहार पुलिस का मामला है और ये चूंकि बिहार सरकार का मामला है, अश्विनी चौबे से अगर नाराजगी है तो क्या उन्हें लग रहा है कि इसमें बिहार सरकार बनाम केंद्र सरकार राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं ये भी कि बिहार और केंद्र के बीच राजनीति पूरी हो गई, क्योंकि जैसे ही ये मामला दो दिन कल का मामला आज भाजपा के केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप और सम्राट चौधरी भी किसानों से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी हक की बात नहीं कर सब एक तरह से राजनीति करते हैं। यानी नाराजगी किसानों की साफ है, उन्हें राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें सीधे तौर पर उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए, उचित मुआवजा चाहिए, और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री पहुंचे तो जरूर थे लेकिन इस दौरान किसान भड़क गए और अश्विनी चौबे के ऊपर ईंट फेंकने की भी कोशिश हुई, हालांकि सुरक्षा बल ने उन्हें वहां से किसी तरह से निकाल लिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।